करेंगे शुद्धता से छठवें सातवें दिन, तो और 20 दिन आपको मिल जाएंगे, 21 दिन तक करना है। 20 नंबर का श्लोक का जो हमने बताया थे आपको, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसके लिए 20 नंबर के श्लोक का थोड़ा सा विधि अलग है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे, एक ऐसे चांदी की प्लेट या थाली लेंगे और 20 नंबर का श्लोक का केसर से उस पर लिखेंगे। 20 नंबर के श्लोक को केसर से चांदी की प्लेट पर लिखना है और जब हम मंत्र ऋषि पढ़ेंगे तो ये जो जल है ये यंत्र पे भी डालना है और वो श्लोक पे भी डालना है, और बाद में ये जो जल रहेगा केसर वाला थाली का पति पत्नी दोनों को पीना है। इस प्रकार से हमें ये हीलिंग करना है, सेल्फ हीलिंग हो गई है, खुद की हीलिंग खुद के लिए। उसके बाद हम आएंगे कॉन्टेक्ट हीलिंग, अपने लिए 21 दिन तक अनुष्ठान, दूसरे के लिए भी हमें ऐसे 21 दिन तक करना है। अपने घर में ही कोई है तो उनके लिए कॉन्टेक्ट हीलिंग, जो पढ़ नहीं सकते घर में बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग, उन्हें पास में बिठा लीजिए और यह मंत्र उनके कानों में सुनाई जाना चाहिए। ये जो मंत्र है ये उनके कानों में सुनाई जाना चाहिए, कान में सुनाई जाएगा तो उनके बॉडी में इफेक्ट करेगा। कोई भी किसी के लिए भी मंत्र श्लोक पढ़ सकते हैं या अनुष्ठान कर सकते हैं, श्रद्धा और भक्ति भाव से आपको करना है। ये कॉन्टेक्ट हीलिंग एंड डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग में यदि फॉरेन में भी कोई आपका बच्चा है परेशान हो रहा है, आप यहाँ से हीलिंग उसको दे सकते हैं। कोई भी किसी को भी हीलिंग दे सकता है क्योंकि यह भक्तामृत स्तोत्र है, हर कोई पढ़ सकता है, सिर्फ अपनी श्रद्धा भक्ति और अपनी ट्यून मिलना चाहिए। इसमें पहले दो श्लोक में आचार्य मानतुंग जी ने अपनी संकल्पना बताई है कि मैं ये पूर्ण करूँगा स्तुति, और उसके बाद 3 से लेकर 6 तक अपनी लघुता, अपनी नम्रता कि मैं कितना अल्पबुद्धि हूँ, एक बच्चे के भांति हूँ। जैसे क्या तीसरे नंबर के श्लोक में बताया बुद्धा विना विभुदाचपाद से, कि एक नादान बालक पानी में चंद्रमा की छाया देखता है और वो चंद्रमा को पकड़ने के लिए लालायित होता है, चंद्रमा को पकड़ने के लिए लालायित होता है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि मैं भी आपकी मूर्ति देख के, आपकी भक्ति देख के, आपकी स्तुति करने के लिए लालायित हूँ। और छठवें नंबर श्लोक में अल्प श्रुतम मैं अल्पबुद्धि हूँ, फिर भी आपकी भक्ति के वश होकर मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। 3 से 6 में देखिए इतना बड़ा स्तोत्र, इतना महान स्तोत्र की रचना कर दी, फिर भी वो 3 से 6 4 श्लोकों में अपनी लघुता अपनी नम्रता प्रकट कर रहा है। उसके बाद 7 नंबर से 26 नंबर तक अलग अलग उपमा देके आचार्य मानतुंग जी ने आदि प्रभु की स्तुति की है। अलग अलग उपमाओं से, चंद्र की, सूर्य की, अलग अलग उपमाओं से। तो कहते हैं कि चंद्र में भी तो थोड़े थोड़े पत्ते जैसे मुरझा जाते हैं, ऐसे पीले पीले दाग और काला धब्बा दिखेगा, लेकिन आपके मुखमंडल में ऐसा कुछ नहीं है। और सूर्य तो नहीं, उद्गम भी होता है अस्त भी हो जाता है सूर्य का, सूर्य सुबह निकलता है शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, आपका जो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है, उसका तो कोई अस्त है ही नहीं, वो तो निरंतर इतना प्रकाश माने कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। इस प्रकार से अलग अलग उपमाओं से उन्होंने 7 से 26 तक जिनेन्द्र भगवान का स्तवन किया है। उसके बाद 27 से 37 श्लोक तक आचार्य मानतुंग जी ने अलग अलग ऑर्नामेंट्स बताए हैं, 8 प्रकार के अलग अलग अष्ट प्रतिहार्य बोलते हैं उसको, अशोक वृक्ष, धुंदुबी, पुष्प वृक्ष की, इस प्रकार के वे 8 अलग अलग ऑर्नामेंट्स हैं जो लगे हुए हैं 27 से 37 तक। उसके बाद 37 से 47 8 प्रकार के भय, सिंह से कुछ, सिंह से भय, जल से, अग्नि से, इस प्रकार से 8 प्रकार के भय जिनसे बचने के लिए हम क्या करें, उस प्रकार के 8 प्रकार के भय का पूरा वर्णन 47 नंबर तक किया है। और लास्ट का 48 नंबर सबको पता है, जिस प्रकार किसी भी पुरुष के गले में आप माला पहनाते हो तो कैसे सुशोभित हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है ना। अभी हमने ललिता जी को पहनाए थे, कितने अच्छे लगने लगे।
इसी प्रकार यदि हम जिन गुण रूपी जो आदिनाथ भगवान के अनंत अनंत गुण है, जिन गुण रूपी माला हम पहनेंगे, अपने कंठ में जिन गुण रूपी माला धारण करेंगे, तो हम भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और हम भी सुंदर सुसज्जित हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हीलिंग है। आप लोग बोलो तो अपन बैठ के 45 नंबर का 108 बार भी हीलिंग कर सकते हैं, या तो आप लोग नहीं बोलेंगे तो आप अपने घर में भी ऐसा डेली कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की इच्छा है। अभी कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे